होता है ना कि देखो भाई कहीं के मारे कहीं पहुंच रहे हो। 2 मिनट के अंदर पूरा लुक चेंज करके आए हम लोग। फोन तो ऐसा चलोगा का जो 20,000 रुपया खर्च कर दे मन ते का दे तू आई नहीं। ये आज की नई बात नहीं, सालों पुरानी बात है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला ब्लॉग जो है इसी वीडियो से ख़त्म किया था और आज का ब्लॉग इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ड्रेस चेंज हो गई हमारी, अभी ताजमहल घूम कर आए, मेट्रो घूम कर आए और हम निकल दिए फिर साड़ी वाड़ी चेंज करके कायदे वाली बहू बन के। और मैं अभी थोड़ी अपनी इज्जत पर आके और अब जा रहे हैं गाँव में। मैंने आपको बताया था ना कि आज का प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो रहा था जाने के लिए कि जाएंगे नहीं, गर्मी इतनी हो रही है तो मैं तो मना कर रही थी जाने के लिए, लेकिन फोन पे फोन आ रहे हैं भैया आ जाओ आ जाओ। हाँ मत रही ट्यूशन, मैं बना कर जाऊँगी ठीक है। हाँ ट्यूशन ना जाए, बच्चों को लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि शाम को ही वापस आ जाऊँगी, इसीलिए बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ, ना केशव को ना ही तो नकुल को, तो बस मैं अकेली जा रही हूँ और इनके साथ में ही वापस आ जाएंगे सब लोग। तो बस हम लोग हो गए हैं रेडी और घर से बाहर निकल आए हैं और ऐसा अचानक क्या हो गया भैया जो गांव के लिए भागना पड़ा अचानक से। बस अभी अभी ताजमहल घूमकर घर पे बैठे ही थे और अचानक आ गया घर से फ़ोन। वैसे अचानक तो नहीं आया, 2 दिन पहले से ही फ़ोन आ रहे थे लेकिन मेरा ही कैंसिल हो रहा था जाने के लिए कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। और फिर ये लोग आ गए थे तो मैंने कहा चलो भैया अब तो वैसे भी जाना नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग ताजमहल घूमने गए, वहाँ से बस आ ही पाए थे। पापा का भी फ़ोन आ गया, भैया का, बुआ का, सबका ही मतलब फ़ोन आ गया था, फिर जाना पड़ा अचानक से। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं इनके साथ में ही। बस चल दी हम लोग तो निकल चले। क्या किया? 2 मिनट के अंदर पूरा लुक चेंज करके आए हम लोग। 2 मिनट 12 बजे के घूम रहे हो, झूठ बोल रहा है। 2 मिनट में हमने आगे क्या करा है, पॉलिश किए और हाथों में उंगलियाँ घुमाई, बालों में उंगलियाँ घुमाई और चलो भाई इनके जैसे हो जाते हैं कोई हम लोग। बस टी शर्ट पहनी और चलो बस गाड़ी में भी लगी। हाँ और नहीं पहन के जाएगा तो कुछ नहीं इनकी तो भाई। वैसे इनका प्लान था मथुरा वृंदावन जाने का और मैंने इनसे रोका कि अभी नहीं, 1 घंटे बाद निकलना, आराम कर लो, थोड़ा सा सो जाओ, उसके बाद जाना थोड़ा आराम करके। हाँ होता है ना कि देखो भाई कहीं के मारे कहीं पहुँच रहे हो। मथुरा वृंदावन तो जाना नहीं हो पाया, अब जा रहे हैं गांव। बताया था ना कि आज का प्रोग्राम है वहां पर लेकिन जा नहीं पा रहे, तो मैं तो मना ही कर रही थी कि जाएंगे नहीं, मतलब गर्मी इतनी हो रही है। और कहते ना जहाँ का भजा होता है वहां पर पहुंच ही जाते हो कैसे ना कैसे, है ना मानो। हमारी पूरी सब्जी वहाँ का नाम लिख गया था। इनका भी साथ में देखो, नसीब वालों को मिलता है भंडारा, पता है कि नहीं पता। हाँ आज का वहाँ पे भंडारा है, कल की अखंड रामायण बैठी थी, आज का ये वाला प्रोग्राम है खाने पीने का, तो हमारे नसीब में वो भंडारा था तो हम लोग खाने जा रहे हैं। अब पहुँचेंगे, हम निकल गए हैं घर से बाहर तो अब कहाँ जाएंगे, तो पहुँच ही जाएंगे। अच्छा ये बताना ये वाला पुल कौन कौन जानता है, ठीक है, इस पुल का नाम बताना किस किस को पता है, ठीक है, फिर मैं बाद में बताती हूँ। और बस हमारी गांव की गलियाँ जो है आ गई है। वैसे मेरे घर से यानी कि आगरा से और गांव से 2 घंटे का सफर है और इसने भैया 1 घंटे में पहुँचा के रख दिया। जैसे ही गांव में मैंने पैर रखो वैसे ही भैया बत्ती चली गई यहाँ पर, रख दिया मैं वीडियो बनाने। और मेरे काज यहाँ पर कूलर और फ्रिज नए लिए गए हैं, कल है ना, कल ही तो आए हैं, कल आए हैं, नहीं रहेगी डेरा डा रहेगी, भले यहाँ नहीं रहूं, थोड़ी सी हवा तो मिल जाती नए कूलर की, ले ली नहीं तो फिर फोन तो ऐसा चलोगे का जो 20,000 रुपया खर्च कर दे मैंने ते का दे तू आई नहीं, कूलर ले लो नो फ्रिज ले लो है, तो मैंने कहा चलो भैया फ्रिज ले लो है। हाँ फ्रिज तो ले लो जी यारो, फ्रिज तो हमने फ्रिज को ठंडा पानी तो पी लो है, कूलर की ठंडी हवा ना खा पाई पर हर जो बात तो सही है। और ये आज की नई बात नहीं है, सालों पुरानी बात है, जब जब मैं सबोरे के अंदर पैर रखूँ तभी तब बत्ती चली जाती है, बत्ती तो कभी मिलती ना यहाँ पर कभी ना मिल, सही बता रहे जी, हकीकत बात है। हाँ आज का प्रोग्राम है इसीलिए तो जरूर जाती है भाई, क्योंकि रिश्तेदार फिर जाने को नाम ना लेते ना अपने घर पे, तो बत्ती ना होते तो फिर जाइयो कहता चलो भैया गर्मी हो रही है चलो अपने घर पे। चलो बेटा धीरे भाई बता,
हमें आधा घंटा हो गया यहाँ पे आया ना, मुझे आधा घंटा दे वो। हाँ तो आधा घंटा है वो और का। तो भैया ये देखो गांव की दावत कुछ ऐसी होती है, और किस किस के यहाँ पे ऐसी दावत होती है मुझे बताना। और जहाँ तक मुझे पता है ना, ये पहली बार ज़मीन पर बैठ के दावत खा रहा है जहाँ तक मुझे पता है शायद। और भैया यहाँ पे ना बुआ भतीजी की बहुत बड़ी मीटिंग जुड़ रही है, और ये बोल रही थी मुझसे कि मुझसे सब बोलते हैं कि बुआ की शक्ल जो है तुझसे मिलती है, मतलब बुआ भतीजी की शक्ल मिलती है हम दोनों में। अब ऐसा मुझे तो कुछ पता नहीं है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी शक्ल मिलती है तो कमेंट करके बताना कि हम दोनों की शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। तू आए तेरी बुआ है? अच्छा वो गांव में रहे हो? बहुत तमड़े आए ठाड़ी के बाहर पे जेल में जेल में बैठा था तुम जेल लो। अब चलो ये भी बता देती हूँ कि भैया दावत कैसी हो रही है। अखंड रामायण बैठी थी कल और आज की है दावत। तो मालपुआ की दावत थी, जो होते हैं ना मालपुआ, मीठे वाले जो पुआ होते हैं और आलू की सब्जी होती है उसकी दावत थी ये। किस किस को पसंद है मालपुआ कमेंट करके बताना। तो हमारी दावत हो गई थी, हम तो उठ के भैया चल दिए। और ये मेरे पापा बैठे हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनके खाते समय वीडियो भी बन गई। कूलर चालू में इसलिए बत्ती आएगी, देखो इन्हें कूलर की हवा खा के जाइयो। हाँ वे काय से छेना धर गई है। हाँ सही है। पानी ले आ दिया पन्नी में धर दे दी मैं वो फिर। हाँ हाय बुआ। तो बस वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और निकलते निकलते हमें हो गई थी शाम। तो मैं अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ, पापा ने मुझे घर पे छोड़ दिया है। तो बस ये भी निकलते अपने घर के लिए, और अभी इन्हें बहुत दूर जाना है, हाल फिलहाल नहीं पहुँचेंगे। ये करीबन 2-2.5 बजे पहुँचेंगे रात के, और अभी बज रहे हैं रात को 9, दूसरे दिन पहुँचेंगे ये। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।